हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के स्टूडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में ऑटो सम फॉर्मेट का यूज कैसे करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम लोग सीखेंगे होम मेनू में ऑटो सम में जितना भी ऑप्शन होता है उसका यूज कैसे करते हैं। इससे पहले जितना भी हमारा ऑप्शन है सारे का वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाकर अपलोड कर दिया गया है, आप उसको चेक करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले क्या करना है, तो आपको कुछ वैल्यू को टाइप कर लेना है, ये हमारे साथ वैल्यू है। उसके बाद ब्लैंक सेल में हम लोग को आना है सबसे नीचे। अब हम लोग ऑटो सम में आते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या मिलता है, सम का। तो सम करना तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू को अगर जोड़ना हो तो एमएस एक्सेल में स्टार्टिंग से ही हम लोगों को सिखाया जाता है। तो सम का यूज सम करने में सबसे पहले क्या करना है, तो इक्वल सम वैल्यू को सिलेक्ट एंटर। तो जैसे ही हम लोग सम पे क्लिक करते हैं तो होता क्या है कि इक्वल सम भी हमारा टाइप हो जाता है और रेंज भी सिलेक्ट हो जाता है, अब सिर्फ हम लोग को एंटर प्रेस करना होता है। तो ये हमारा क्या हो गया है, तो सम वैल्यू आ चुका है। इसमें भी हम लोग फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं अलाइनमेंट। दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो है एवरेज का। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो कोई भी नंबर को आप जैसे यहाँ पे हम लोग सम किए हैं, अब इसको हम एवरेज निकालना चाहते हैं औसत, तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग ब्लैंक सेल में आते हैं, ऑटो सम पे आते हैं, एवरेज पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज हमारा सिलेक्ट हो चुका है। तो रेंज हम लोग का A7 नहीं लेना है, A6 तक ही लेना है, क्योंकि इसमें हम लोग सम ऐड किए हुए हैं। तो A1 से A6 तक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एंटर। तो कितना आया, 205 आया। ऐसे भी हम लोग सिस्टम पे नहीं बल्कि कॉपी पे भी औसत निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी यही होता है। क्या होता है, तो हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं जिसमें ऊपर लिखाता है कुल संख्याओं का योग, नीचे लिखाता है कुल योगों की संख्या, और उसको फिर क्या करते हैं, तो टोटल नंबर को ऐड करते हैं और जो नीचे हमारा होता है योग की संख्या उसमें हम लोग काउंट करते हैं कि कितना नंबर है, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, तो कुल योगों की संख्या, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1230 आएगा। उसके बाद कुल योगों की संख्या क्या होगा, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट कहाँ तक होगा, हमारा वैल्यू तक ही होगा, तो वैल्यू कहाँ, 150 तक। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला खुद से लगाते हैं इक्वल, और ये हो गया हमारा 1230 कुल योगों की संख्या बाय संख्याओं की योग, तो कितना हो जाएगा, 6, एंटर। देख सकते हैं एवरेज से भी हमारा यही आया था, और हम लोग का जो खुद का फॉर्मेट है, खुद का फॉर्मूला है, उससे भी हमारा आंसर यही आया है। तीसरा ऑप्शन हमारा ऑटो सम में क्या है, क्वांट नंबर। तो क्वांट नंबर का यूज होता है जैसे हमारे सेल में या सीट में कितने जगह पे नंबर टाइप किया हुआ है उसको काउंट करने में। जैसे यहाँ हम लोग जानना चाहते हैं सेल में किसके ऊपर कितने सेल में नंबर टाइप किया हुआ है उसको हम लोग को काउंट करना है। तो सेल को करेंगे सिलेक्ट, ऑटो सम पे आना है, काउंट नंबर पे करना है क्लिक और करना है एंटर। तो कितने सेल में टाइप किया हुआ है, 6, यानी हमारे जितने भी सेल हैं उसमें अगर कुछ टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, कुछ नंबर टाइप किए हुए हैं, तो हम लोग उसमें से काउंट कर सकते हैं कि हमारा नंबर कितने सेल में टाइप किया गया है। तो जिसमें हमारा नंबर टाइप है उसको क्या करता है, काउंट करता है, ओनली फॉर नंबर को, टेक्स्ट को नहीं। उसके बाद हम लोग आते हैं इस सेल में, और उसके बाद फिर से हम लोग आते हैं ऑटो सम में। अब दो ऑप्शन हम लोग को बचा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस लिस्ट में सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको क्या करेगा, तो शो करेगा मैक्सिमम से, और मिनिमम से क्या करेगा, तो मिनिमम वैल्यू इसमें जो है उसको शो करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग ऑटो सम में मैक्सिमम एंटर। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 300 है, यानी लार्जेस्ट वैल्यू। उसके नीचे आते हैं ऑटो सम, सॉरी सम पे क्लिक हो चुका है, इसको करते हैं हम लोग रिमूव। उसके बाद ऑटो सम और मिनिमम को करते हैं चूज, उसके बाद एंटर। तो मिनिमम वैल्यू हमारा कौन सा है, 120, यानी 120। अब हम लोग का सारा ऑप्शंस क्या हो चुका है, तो क्लियर हो चुका है। एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे खुद से अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग को सम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल सम लिखकर भी करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कुछ
और इसमें से ऐड करना हो, जैसे एवरेज है, हम लोग एवरेज पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को सेम प्रोसेस वही करना है, सिर्फ एवरेज यहाँ पे क्या करना है, तो टाइप करना है टैब, और उसके बाद रेंज को सिलेक्ट, ब्रैकेट वन, इंटर, जिस तरीके से हम लोग सम करते थे उसी तरीके से क्वांट, मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल हमारा होगा सिर्फ इक्वल, और जो आपका फॉर्मूला है उसको टाइप कीजिए, सेल को सिलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। तो इस तरीके से आप टाइप करके भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये ऑप्शन आप लोग का क्लियर हो गया होगा, और आप लोग ऑटो सम और डायरेक्ट भी मैक्सिमम, मिनिमम, क्वांट नंबर, सम, एवरेज निकालना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सीखेंगे फिल ऑप्शन का यूज़ करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।